हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ हायर कंपनी के रिसेंटली लॉन्च की गई 405 लीटर्स की कन्वर्टेबल चेस्ट फ्रीजर के बारे में। और ये एक ग्लास टॉप चेस्ट फ्रीजर है, इसका मतलब कि इसके टॉप में ग्लास प्रोवाइड की गई है जिससे आपको ट्रांसपेरेंसी दिखती है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए चेस्ट फ्रीजर के मॉडल के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं इसके बॉक्स पे प्रोवाइड की गई डिटेल्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस। इसका मॉडल है HFC 400 GM5, 405 लीटर इसकी कैपेसिटी और ये वाइट कलर का चेस्ट फ्रीजर है। इस फ्रीजर को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरत होती है 230 वोल्ट्स की और ये 200 वाट्स का यूनिट कंज्यूम करती है। इसकी नेट वेट है 62 केजी की और इस फ्रीजर के नीचे व्हील्स भी लगा है और इसकी डायमेंशंस भी यहाँ पे दी गई है। मैं वीडियो में बताऊँगा कि इसकी एग्जैक्ट डायमेंशंस कितनी है, इसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट, वो मैं इंच टेप से मेज़र करके आपको वीडियो में दिखाऊँगा। और इस फ्रीजर की MRP है 41,990 रुपीज़ और इसकी रिटेल प्राइस वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन रिटेल स्कीम। मैं बेस्ट प्राइस का बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप इस फ्रीजर को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और ये एक 5-स्टार चेस्ट फ्रीजर है और एक साल में ये 1,335 पावर यूनिट्स कंज्यूम करती है। आइए अब इस चेस्ट फ्रीजर को सारी साइड से क्लोजली देख लेते हैं। ये इसका फ्रंट एंड साइड व्यू। और यहाँ पे कुछ टेक्निकल वायरिंग डायग्राम प्रोवाइड की गई है और साथ में ये भी बताया गया कि इसके डिफरेंट मॉडल्स की क्या क्या डिटेल्स है और उसे आप कंपेयर कर सकते हैं। यह है इस फ्रीजर की बैक साइड व्यू। और फ्रीजर को अच्छी तरह से मेंटेन रखने के लिए हमें इस स्टिकर में दिए गए डिटेल्स को जरूर फॉलो करना है। इसमें डूज एंड डोंट्स बताई गई है। डूज में आप देख सकते हैं कि हमें क्या क्या फॉलो करना है और डोंट्स में बताया गया कि क्या क्या नहीं करना है। फ्रीजर को प्लेस करते वक्त मेक श्योर कि आप सारे साइड से 1 फीट की डिस्टेंस मिनिमम आप जरूर रख रहे हों। जब भी आप इसे परचेज़ करें मिनिमम 3 आवर्स जरूर इसे रन करें कोई भी सामान को रखने से पहले, या अगर लॉन्ग टाइम के लिए पावर कट हो जाती है तो उसमें भी ऐसा ही बताया गया है कि किसी भी सामान को रखने से पहले आप कम से कम 3 घंटे इस फ्रीजर को ऑन करके रखें। और इसे में प्रॉपर अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है। कभी भी एक्सरसाइज को निकालने के लिए आप शार्प ऑब्जेक्ट्स का यूज़ ना करें। अगर आप इसमें प्रोडक्ट्स रख लिए हों तो कभी भी रात में फ्रीजर को ऑफ नहीं करना है। और भी कुछ डिटेल्स दी गई है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसे ज़रूर फॉलो करें। बॉटम साइड में आप इसकी केबल देख सकते हैं और जो एयर वेंट्स दी गई है वो कंप्रेसर के लिए दिया गया है। और ये इस फ्रीजर की टॉप साइड आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्रोवाइड किया गया है। और ये इसकी अदर साइड व्यू। जब इसे आप ओपन करना चाहते हो तो हमें ग्लास के डोर को स्लाइड करना होगा।
दोनों साइड स्लाइड हो जाती है। उसके बाद आप इसमें प्रोडक्ट रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। और इसमें कुछ बास्केट प्रोवाइड की गई है, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कैटेगरी बनाकर आप दिए गए बास्केट्स में रख सकते हैं। टोटल 3 बास्केट प्रोवाइड की गई है और इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। और फ्रीजर अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है। सामने आपको एक स्ट्रिप दिख रहा है, स्ट्रिप के नीचे कंप्रेसर यूनिट दी गई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आपको बताऊँ, क्योंकि कमर्शियल यूज़ करने के कारण आप प्रोडक्ट को अगर परचेज़ करने से पहले देख लेते हैं तो डेफिनेटली ये एक यूज़फुल वीडियो आपके लिए हो सकता है। और यहाँ पे बताया गया कि इस लाइन से अब आप प्रोडक्ट को कभी भी ना रखें। और अब टाइम है एग्जैक्ट मेजरमेंट का, इसलिए मैंने एक प्रॉपर टेप लिया है जिससे मैं आपको लाइव बता सकूं कि इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है। और ये हेल्प करेगी आपको शॉप में एग्जैक्ट मेजरमेंट जानने के बाद प्रॉपर प्लेसमेंट में। और आप देख सकते हैं इसकी लेंथ है 53 इंच की और इसकी डेप्थ अब मैं मेज़र कर रहा हूँ। और इसकी डेप्थ है 34 इंच की। और इसकी विड्थ है 25 इंच, इसका मतलब 2 फीट 1 इंच की। और ये है इसकी लॉक की, जिसकी मदद से आप इसके डोर को लॉक कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप इसे मूव कर देंगे तो ये लॉक हो जाती है, आप देख सकते हैं। और फिर से अनलॉक करने के लिए आप इसे उल्टी दिशा में मूव करें और उसके बाद ये अनलॉक हो जाएगी। फ्रीजर के इनर सरफेस को क्लीन करने के लिए एक स्पैचुला प्रोवाइड किया गया है और ये इसका यूज़र मैनुअल एंड वारंटी पेपर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल्स को जानने के लिए आप इस मैनुअल को जरूर पढ़ लें। ये हेल्प करेगी इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से मेंटेन रखने में और इसे कैसे ऑपरेट करना, वो सारी डिटेल्स इस मैनुअल में दी गई है। वारंटी पेपर पे आप जिस भी डीलर से इसे परचेज करें कंप्लीट डिटेल्स को फिल करवा लें। ये मदद करेगी इस फ्रीजर की होम सर्विस वारंटी को स्मूथली कवर करने में। और इस फ्रीजर में प्रोवाइड किया गया है ड्रेनेज लॉक, कुछ इस तरह से आप इसे जब बाहर निकाल लेंगे तो सारी वाटर बाहर निकल जाएगी। अभी थर्मोकोल के कारण यह कम्प्लीटली बाहर नहीं निकल पा रही है। फ्रेंड्स, ये थी हायर कंपनी की 405 लीटर्स की कन्वर्टेबल ग्लास टॉप चेस्ट फ्रीजर की डिटेल्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए चेस्ट फ्रीजर के मॉडल के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।